नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में 1 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुकी है जेल। कोवाले स्थित हापासाई गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन, संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज। और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों ने चलाया जनसंपर्क अभियान, पद यात्रा कर लोगों से मांगा समर्थन। खबरें विस्तार से। मानगो में 1 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। महिला तस्कर पूर्व में भी मामले में जा चुकी है जेल। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के कुमरू बस्ती से पुलिस ने एक महिला को 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये महिला पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुमरू बस्ती में ये महिला गांजा तस्करी में संलिप्त है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां उसे 1 किलो गांजा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में महिला से पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी के नेटवर्क और अन्य जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। इधर मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला को मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया है। इधर सहायक आयुक्त उत्पाद के गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने कोवाले स्थित धापासाई गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। सहायक आयुक्त उत्पाद के गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने कोवाले स्थित धापासाई गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। अवैध शराब फैक्ट्री का संचालक लाल चंद दास के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी अभियान में प्रेम प्रकाश, रामदास भगत, ओम प्रकाश, रामदेव पासवान शामिल थे। उधर पश्चिमी विधानसभा से NDA गठबंधन के प्रत्याशी सरयू राय ने मानगो क्षेत्र में चुनावी अभियान चलाया, पद यात्रा कर लोगों से समर्थन मांगा। पश्चिमी विधानसभा से NDA गठबंधन के प्रत्याशी सरयू राय ने मानगो क्षेत्र में चुनावी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने पद यात्रा कर लोगों से समर्थन करने का अपील किया। दीपावली हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है, प्रकाश का पर्व है और यह विश्व को प्रकाश की ओर ले जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहा गया है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, उसी का यह पर्व है और लोग इसी भावना से इस पर्व को मनाते हैं, बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं और दीपावली हमारे जीवन में यह संदेश देती है कि अंधेरे का कोई स्थान नहीं है, एक दीपक पर्याप्त है अंधेरा को दूर करने के लिए। कई इलाकों में विधानसभा को लेकर के आप दौरा भी कर रहे हैं, उनका कैसा रुझान मिल रहा है तरफ? हम लोग जहाँ जाते हैं बढ़िया स्वागत होता है, उत्साह से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आपका समर्थन करेंगे, इसलिए रुझान तो काफ़ी उत्साहजनक है। नमस्कार, आदाब, जोहार, आपका सुख दुख का साथी मैं शंभुनाथ चौधरी 49 पश्चिमी जमशेदपुर से समाज का प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे मतदाता भाई बहनों एवं गर्जुवन चाचा चाची सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी एक बार आप अपना मतदान देकर मुझे विजयी बनाएं। आपका बेटा शंभु चौधरी आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। नमस्कार, आदाब, जुहार, धन्यवाद। वही जमशेदपुर पश्चिम में डॉक्टर ओपी आनंद ने झोंकी ताकत, जनसंपर्क में दिखाई तेजी। दीपों का महापर्व दीपोत्सव अर्थात दिवाली के शुभ अवसर पर सामाजिक एकता को कायम रखने के उद्देश्य से चुनावी मैदान पर उतरे डॉक्टर ओपी आनंद ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के आजाद नगर, जाकिर नगर, डिमना रोड एवं कदमा के शास्त्री नगर स्थित मुख्य बाजार पर आम जनमानस के बीच लड्डू का वितरण किया। लड्डू वितरण के दौरान क्षेत्र में सामाजिक एकता का माहौल देखने को मिला। लोगों ने डॉक्टर आनंद के प्रयासों को सराहा।
इस संबंध में डॉक्टर ओपी आनंद ने कहा कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। अपने बचपन के समय को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में रहते हुए ये देखा कि एक दूसरे के पर्व में धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद भी लोग एक दूसरे के सहयोग में पीछे नहीं हटते थे। लोगों के बीच की यह प्रेम समय के साथ कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है, इसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि लोग आज की राजनीति में बसी कुनीति का शिकार होने से बच सके और पूरे प्रेम एवं सद्भावना के साथ आपसी भाईचारे को कायम करें। मैं विमल किशोर बैठा, आप सबका भाई, दोस्त, आपका बेटा, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इस बार मैंने जो कदम लिया है उस कदम से आप कदम मिलाने का काम करेंगे और आपके जिक्सलाई विधानसभा जो 47 कर्म में है उसमें विमल किशोर बैठा को हेलमेट छाप पर वोट देकर कर्म संख्या 12 पर विजय बनाने का काम करेंगे। और ये बेटा आपका सेवक है जो रात के 2 बजे भी आपके लिए MGM अस्पताल में खड़ा रहता है। जब भी कोई परेशानी रहता है तो विमल बेटा आपके साथ खड़ा रहता है और ये 10 वर्ष खाली आपके लिए मैंने दिया है, अब आपकी बारी है। बस यही हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ, जय हिंद, जय भारत। और शहीद सैनिकों के परिजन से मिलने उनके घर पहुंचे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। दीपावली की खुशियां बांटने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर के प्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में मौजूद वीर शहीद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे एवं उन्होंने उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर शहीद की मां, पत्नी एवं बच्चों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना तथा मिठाई देकर दिवाली की खुशियां बांटी। तत्पश्चात पूर्व सैनिक ने बिष्टुपुर स्थित शहीद मनोज कुमार के घर पहुंचकर उनकी पत्नी सुनीता शर्मा, बच्चों एवं अन्य परिजनों से भी मुलाकात कर अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। परिषद द्वारा श्रीमती जगमाया देवी, शहीद किशन दुबे की ताडी, श्रीमती दुर्गावती देवी, पत्नी शहीद जितेंद्र कुमार बागबेड़ा, नायाब सूबेदार नवीन कुमार, पिता शहीद मनोरंजन कुमार बालीगुमा, हवलदार राजेंद्र शर्मा एवं हवलदार राम लखन ठाकुर के घर पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटते हुए उन्हें मिठाई देकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने समस्त जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोशनी का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं। इस मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धनाथ सिंह, वरिष्ठ सदस्य SK सिंह, अवधेश कुमार, कुंदन सिंह, वरुण कुमार, मनोज सिंह, संजय सिंह, शरेंद्र सिंह, BN यादव, RP ठाकुर मौजूद रहे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वैसे आज आवश्यकता है अपने अंदर की मनोविकारों को सफाई करना, साथ ही साथ जब हम मनोविकारों को साफ करते हैं तो अपने आप को सशक्त बनाना और अपने आत्म दीपक को जगाना और वास्तव में हमें अलौकिक प्यार के बंधन में बंधना है। जैसे कि ये प्यार और खुशी का त्यौहार होता है तो प्यार सिर्फ फिजिकल प्यार नहीं लेकिन आंतरिक प्यार हो, आज वैसी प्यार की आवश्यकता है। तो हम सभी ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसी सच्ची दिवाली मनाते हैं और जैसे नाम होता है दिया, एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं तो दीप माला बन जाता है, उसी तरह से हम अपने अंदर एक गुणों को विकसित करते हैं तो धीरे धीरे अन्य गुण भी हमारे जीवन में आ जाता है। आज हम सभी समाज में देख रहे हैं गुणों की कमी होती जा रही है, मनुष्य अपने गुणों से पीछे हटता जा रहा है। तो आइए इस वर्ष, इस 2024 में अपने आप को 24 कैरेट के समान प्योर बना करके और अपने जीवन को गुणों से सजाएं। इधर पश्चिम विधानसभा से भारतीय आजाद सेना के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप आवंटन हुआ। विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर भारतीय आजाद सेना के प्रत्याशी राम बच्चन का चुनाव अभियान तेज हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समाज सेवी का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। कई नेताओं ने जीत का आशीर्वाद दिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राम बच्चन ने अपने क्षेत्र का दौरा कर कर्मियों का समीक्षा बैठक किया और लोगों को आश्वासन दिया कि सभी जरूरी कार्यों को पूरा किया जाएगा। सिटी न्यूज के संवाददाता के साथ उनकी खास बातचीत हुई। मैं भारतीय आजाद सेना का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं और एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा हूं। मेरा नाम राम बच्चन हुआ।
हमारा मासूरी छाप फिन है। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासरत रहें। भविष्य में भी सरकारी विद्यालय में मूलभूत भौतिक सुविधा मिले, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा हो, जो बच्चे पढ़ने लायक हैं या गांव से भी सुदूर से जो आते हैं उनको सरकारी पूर्ण रूप से व्यवस्था दे। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब व्यक्ति को निःशुल्क दवा, जो आज भी सदर हॉस्पिटल में प्रदान नहीं होती है, पब्लिक को निःशुल्क अच्छी दवा कम कीमतों में भी प्रदान किया जाए। बेरोजगार आदमी के लिए आज जो नवयुवक बेरोजगार हैं उन बेरोजगार बच्चों को नौकरी दिलाने का लक्ष्य सरकार को पूरा करनी चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। जो आपके कल कारखाने बंद हैं उन कल कारखानों को सुचारू रूप से चालू करवाना ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और यही उद्देश्य हमारा भी है। बेरोजगारी तभी हल होगी जब आप कल कारखाने हमारे यहाँ सारी चीज़ें आप किए हैं कि इस जगह पर CNT एक्ट लगा है और CNT एक्ट के चलते कोई आपके इस झारखंड में कोई निवेश नहीं करना चाहता है। शिक्षा आपके अगल बगल जो स्टेट हैं शिक्षा का बहुत बड़ा हब खुल रहा है, लेकिन हमारे झारखंड में सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती है। जो लोग खोलना भी चाहते हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है। देखिए, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, ये सरकार की योजना होनी चाहिए। आज किसान को आपका कैनल बना रहे, कैनल में पानी कहाँ से आएगा, किसान कहाँ से पानी ले आएगा? आपके झारखंड में कोई ऐसी नदी नहीं जहाँ की पानी की व्यवस्था हो, सालों भर उसमें पानी नहीं रहता है। डीप बोर करवा करके ऊंचे स्थान पर पे सिंचाई की सुविधा दे सरकार, ये फालतू का खर्चा करती है। कैनाल बनाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है सर पब्लिक को, किसान भाइयों को। मैं हार जीत के लिए खड़ा नहीं हूँ, न किसी को हराने के लिए खड़ा हूँ। हमारा लक्ष्य है आगे पब्लिक को सुविधा मिले। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है, मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफर होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चायबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो Level 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा करके बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही
भी चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का, जच्चे का, बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। रिवाजों का प्रतीक सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स बिग सेल्स धनतेरस ऑफर पर दे रहे हैं सभी हॉलमार्क HUID गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग पर अप टू 55% ऑफ। ये ऑफर सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स के सभी शोरूम पर 3 नवंबर तक उपलब्ध है। जल्द बुक करें अपने लिए शुद्ध सोने के गहने। विजिट सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स अजवा सिटी सेंटर मॉल ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो सोनार लाइन धतकीडी एंड कदम मार्केट कंडीशन सप्लाई। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आएं और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेस कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है, हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेस होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। श्री श्री काली पूजा महादेव मंदिर पूजा समिति हरर गुट्टू देवता भवन के समीप माँ काली का पंडाल का उद्घाटन कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में किया गया। पंडाल का उद्घाटन करने हेतु जमशेदपुर के मुख्य अतिथि के रूप में राघव सिंह, जमशेदपुर सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, घाघरी मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इसमें विनय तिवारी, अरविंद सिंह, अशोक मिश्रा, राजेश शर्मा, कुमलता, संजू देवी उपाध्यक्ष सन्नी सिंह एवं शंकर कोषाध्यक्ष लालू सिंह, महासचिव राजेश कुमार सिंह, मनीष सिंह, सुभांशु सिन्हा, बिट्टू सिंह, पूजा कमेटी के संस्थापक बबुआ सिंह एवं रोहित कुमार, शंकर कुमार, अमित कुमार, गौरव कुमार, नीरज सिंह, अमित कुमार उपस्थित के अलावे कमेटी के सदस्यगण एवं बस्तीवासी शामिल थे। अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि यह पूजा समिति द्वारा 2012 से प्रतिवर्ष भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। इस बार पंडाल का दृश्य उत्तराखंड का एक मंदिर है जिसको बंगाल के कारीगर के द्वारा बनाया गया है। पूजा पंडाल और विद्युत संजा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री श्री काली पूजा समिति महादेव पूजा समिति के माध्यम से हरर गुट्टू में काली पूजा का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के युवकों के द्वारा प्रतिवर्ष
यह आयोजन किया जाता है और यह एक बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से सभी स्थानीय युवाओं को जोड़ने का प्रयास प्रतिवर्ष किया जाता है और इस समिति के माध्यम से न सिर्फ पूजा का कार्य किया जाता है बल्कि और भी कई तरह के रचनात्मक कार्य भी किए जाते हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने संकल्प लिया है, हम सभी जानते हैं कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व है। भगवान श्री राम का आगमन आज ही के दिन अयोध्या में हुआ था, इस खुशी में पूरे देश में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है और आज हम सभी भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने का यहाँ पर संकल्प लिए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो सभी युवा हैं मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे और समाज में जो बुराई है उसके अंधकार को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा संकल्प आज पूजा समिति के सभी सदस्यों ने लिया है और हम लोगों ने भी लिया है। यही संदेश देना चाहेंगे कि आज भी समाज में जिस रावण का संहार भगवान श्री राम ने किया था उसी तरह का रावण आज भी समाज में है। आज भी समाज में बुराई है, आज भी समाज में अच्छाई और सज्जन शक्ति का संगठित होना बहुत जरूरी है। तो सज्जन शक्ति का संगठन हो और सज्जन शक्ति दुर्जन शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करे, यही संकल्प है और यही आज का संदेश है। वहीं पुलिस प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, आरओ मौजूद रहे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन से अवगत कराया। सभी आरओ बैठक में मौजूद रहे। सामान्य प्रेक्षक ने बैठक में उपस्थित सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि को कैंडिडेट हैंडबुक अच्छे से पढ़ने एवं दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रचार संबंधी गतिविधियां जैसे रैली, हेलीपैड, सभा आदि के लिए सिंगल वीडियो सिस्टम से समयबद्ध रूप से अनुमति प्रदान की जा रही है, बिना अनुमति प्रचार प्रसार नहीं करें। साथ ही मतदाताओं को उपहार या किसी अन्य तरीके से दबाव या प्रलोभन नहीं दे जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता हो। पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि फेक न्यूज या फेक नैरेटिव ना फैलाएं, बनाएं ना ही इसका हिस्सा बने। विधानसभा चुनाव को लेकर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सभी प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति भी निर्वाचन की सुचिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रक्रिया के तौर पर ही निर्वाचन को पारदर्शी बनाया जा सकता है जिसमें सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों के सहयोग अपेक्षित है। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल प्रत्याशी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। व्यय प्रेक्षक ने चुनाव व्यय से संबंधित निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के संबंध में बताया। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों को प्रचार प्रसार, पब्लिक मीटिंग, स्टार कैंपेनर, रैली, मनी ट्रांसफर, प्रचार प्रसार सामग्री के व्यय, लेखा संधारण के संबंध में जानकारी दी। CVIGIL ऐप एवं सुविधा पोर्टल से संबंधित विस्तृत जानकारी भी बैठक में दी गई। इधर कदमा थाना स्थित पानी टंकी टेम्पो स्टैंड परिसर में 11वें शरीफ पर लंगरेआम का आयोजन किया गया। कदमा थाना स्थित पानी टंकी टेम्पो स्टैंड परिसर में 11वीं शरीफ के अवसर पर लंगरेआम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे। शरीफ का प्रोग्राम हो रहा है, हर साल होता है। वेज बिरयानी, दालचा, हर तरह के लोग आते हैं, खा के जाते हैं। हर साल हम लोग करते हैं, सब टेम्पो वाले भाई हम लोग मिल के जो होता है हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं। हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, खा के आराम से बैठ के जाते हैं और हम चाहेंगे कि हमेशा ऐसा सिलसिला बने रहे, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई आए और एक साथ मिल बांट के रहे और मिल बांट के खाए। किस संस्था के द्वारा कर रहे हैं और क्या स्टैंड का नाम है? ये हम लोग कदमा थाना पानी टंकी ऑटो स्टैंड है। सब हम लोग ऑटो वाले भाई जिसका पास जो हुआ सब मिला के हम लोग हर साल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अकबर। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने LBSM एवं कोऑपरेटिव कॉलेज का निरीक्षण किया, स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा लिया। ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDM धालबुम व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की मार्गदर्शिका अनुसार सभी प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। LBSM कॉलेज से बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पोटका तथा कोऑपरेटिव कॉलेज से जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी एवं जोकसलाई के ABM VVPAT डिस्पैच किए जाएंगे। वहीं मतदान पश्चात रिसीविंग सेंटर के रूप में सिर्फ कोऑपरेटिव कॉलेज चिन्हित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम के लॉक पर सील और CCTV अधिष्ठापान की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि CCTV के वर्किंग होने के साथ साथ फुटेज का बैकअप हार्ड डिस्क में सुरक्षित होना जरूरी है। स्ट्रांग रूम पर तैनात गार्ड का लॉग बुक रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन हो। चुनाव आयोग के हिदायत अनुसार EVM व VVPAT स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एवं अन्य सभी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्ट्रांग रूम खोलते समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखें। मतदान के बाद EVM को सुरक्षित रखने और काउंटिंग की व्यवस्था के बारे में जरूरी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि EVM के लिए मार्किंग की जाए।
स्ट्रांग रूम में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश ना हो, लॉक को खोलने और बंद होने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की पूरी व्यवस्था में जरा सी भी चूक नहीं हो। मतदान के लिए ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन और मतदान के बाद ईवीएम जमा किए जाने की व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से हो, इसे संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में 1 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुकी है जेल। कोवाले स्थित हापासाई गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन, संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज। और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों ने चलाया जनसंपर्क अभियान, पद यात्रा कर लोगों से मांगा समर्थन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।